बाराबंकी जंगल में तो सुबह से ही प्रदर्शन चल रहा था, कहीं पर शांति पूर्वक चल रहा था तो कहीं पर भाई साहब अगजली हो रही थी। पर वो सब छोड़ दीजिए, उन सबको किनारे कर दीजिए, पर भाई साहब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का प्रदर्शन देख करके हम भी हैरान हो गए। हम भी क्या भाई साहब, जब रोड पर बैठ जाएंगे तो सब तो चौक जाएंगे ही ना। पहले तो बाराबंकी जनपद के जीआईसी ऑडिटोरियम से होते हुए वो पैदल आते हैं और बाराबंकी जनपद के पटेल तिराहे पर आकर बैठ जाते हैं तो भाई साहब सच में चक्का जाम हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, अब भाई साहब जब रोड पर बैठ जाओगे तो चक्का तो जाम हो ही जाएगा ना। ऐसे में बाराबंकी जनपद के एसडीएम साहब भी आते हैं, यही नहीं एसडीएम साहब आते हैं और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आरएस गौतम भी आते हैं, सीओ सिटी भी आते हैं और एडीएम साहब भी आते हैं। तब जाकर भाई साहब मामला कुछ ठंडा पड़ता है और किस कदर का तब नजारा देखने को मिला आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही इस दौरान हमने धर्मेंद्र यादव से बातचीत की, जी हाँ भाई साहब जिनके नेतृत्व प्रदर्शन चल रहा था उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। तीन काले कानून लेके आई अध्यादेश जो तीन पास किए उसके खिलाफ में आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है, पूरे देश में, देश के हर प्रदेश में, हर प्रदेश के हर जिले में चक्का जाम किया जा रहा है। मांगे हमारी सिर्फ इतनी है कि सरकार जो तीन अध्यादेश लेके आई है उनको खत्म कर दे, अगर नहीं खत्म कर सकती, अगर नहीं उनके अंदर इतनी ताकत है तो कम से कम हमारी जो MSP है उसको सुनिश्चित कर दे और जो मंडियों का पतन हो रहा है उन मंडियों को सुनिश्चित कर दे। क्या आप लोगों को रोका जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल हमें रोका जा रहा है, प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है हमें, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि चक्का जाम होना चाहिए और हमें चक्का जाम करेंगे। आप क्या करेंगे? हम यही पे बैठेंगे और पूरा समर्थन करेंगे तब तक हमारी मांगों को। भाई साहब बस कीजिए, क्योंकि धर्मेंद्र यादव की बातें तब दब गईं जब भाई साहब कार्यकर्ताओं की नारेबाजी होती रही। जी हाँ कार्यकर्ताओं में जोशी इतना था कि भाई साहब आगे कुछ कह ही नहीं पाए, पर मामला कुल मिलाकर यही था कि कृषि बिल को लेकर के भाई साहब ताबड़तोड़ प्रदर्शन देखने को मिला। जब अधिकारी पहुंचे और SDM साहब पहुंचे और साथ ही ADM साहब पहुंचे और अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे तब जाकर कुछ मामला ठंडा हुआ। फिलहाल बाराबंकी जम्मू से उत्तर प्रदेश के लिए की ब्यूरो रिपोर्ट, पर भाई साहब कुछ भी कहिए ऐसा प्रदर्शन भाई साहब हमने नहीं देखा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ सत्येंद्र कुमार के साथ विकास यादव की भी रिपोर्ट।